खबर करूं करते राजस्थान में तमाम चुनाव प्रचार। गैर राजस्थानी नेताओं ने छोड़ा राजस्थान। हरदीप सिंह सुरजेवाला, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, काजी निजामुद्दीन ने राजस्थान छोड़ा। पवन खेड़ा, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी राजस्थान छोड़ दिया। हालांकि ये एक आदर्श आचार संहिता का नियम है कि बाहरी 48 घंटे पहले उस क्षेत्र को छोड़ देगा। अब चूंकि पूरे ही राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए अगर बाहर के लीडर किसी भी जगह राजस्थान में होंगे तो वो किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी बाहर के लीडर हैं, जितने भी दिल्ली के लीडर हैं या जो राजस्थान के बाहर के हैं, वो सब राजस्थान में प्रचार प्रसार के बाद वापस लौट गए हैं। बीजेपी से भी लौट गए हैं, कांग्रेस से भी लौट गए हैं। और 6 बजे के बाद कोई भी बाहर का लीडर राजस्थान में कहीं भी नजर नहीं आएगा। और उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका होता है। बाहर का लीडर यहां लोकल मतदाता को प्रभावित ना करे, इसलिए 48 घंटे पहले उसे उस क्षेत्र से बाहर जाना होता है जहां चुनाव है। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, ये एक नियम है, ये एक कहें कि हर साल होता है, हर चुनाव में होता है, तो जरा ये बताइए कि अंतिम वक्त तक कौन कौन से नेता डटे रहे और अंतिम क्षणों में कौन कौन गए? देखिए, प्रभारी अंतिम समय तक डटे रहे, सुखजिंदर रंधावा और भी कई नेता थे जो लास्ट टाइम तक राजस्थान कांग्रेस के वॉर रूम में डटे हुए थे। कुछ लोग प्रचार में भी थे और तमाम नेताओं ने तय कर लिया था कि भी समय रहते हम राजस्थान, जो भी राजस्थान के मूल निवासी नहीं है और जो चुनाव नियमों का हवाला प्राप्त है उनको, तमाम नेताओं ने राजस्थान में जो प्रचार के लिए आए हुए थे, खासतौर से मैं मुकुल वासनिक का जिक्र भी करूंगा, उन्होंने भी राजस्थान छोड़ दिया। हालांकि वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन ये जरूरी है यहाँ पर कि एक गाइडलाइंस की पालना वो बहुत आवश्यक होती है। आज तमाम जो नियम कायदे कानून है चुनाव आयोग के, वो उनको फॉलो करना जरूरी है। तो उसी कंडीशन में तमाम नेता जो बाहर के हैं, राजस्थान में हैं, इन्होंने राजस्थान को अभी छोड़ा है। और खास तौर से अब कांग्रेस वॉर रूम के अंदर रणनीति बनाने का काम शुरू है और जो स्थानीय जो सत्रह जिनको जिम्मेदारियां दे रखी है, वो तमाम लोग अब पूरी तरह फोकस कर दिया। 25 तारीख का मतदान है, उस मतदान में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के साथ अपने विचारधारा के वोटर्स का मत डलवाना, अब उस दिशा में काम शुरू हो गया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और ये कहा जा सकता है कि इस दिशा में अब अलग अलग टीम बना के तो वहां पर काम शुरू हो गया, जो जहाँ के जिलों में प्रभारी बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के, या जो और एक और बात बता दूं आपको, जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे तमाम 25 लोकसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर्स लगाए थे, हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ऑब्जर्वर्स लगे थे। इनमें से ज्यादातर नेता गुजरात के थे, इन्होंने भी राजस्थान को अलविदा कह दिया, इन्होंने राजस्थान को छोड़ दिया। ठीक है योगी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।